संवाददाता लवली बधवान। आम बजट की घोषणा होने वाली अब से कुछ देर के बाद। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान के जयपुर शहर से जो सांसद हैं वो हमारे साथ मौजूद है, रामचरण बोहरा जी, उनसे बात करते हैं। रामचरण जी, रेलवे बजट को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी और अब बजट आने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है? रेलवे बजट जिस तरह से सुरेश प्रभु जी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में, उनके डायरेक्शन में जिस तरह से रेलवे बजट बनाया गया और घोषणा हुई है, एक ये रेलवे बजट ऐसा रेलवे बजट है जिससे देश की प्रगति होगी। सुरेश प्रभु जी ने इसमें सकारात्मक पहल किए, आम कार्यकर्ता, आम नागरिक उससे खुश है। रेल बजट को तो आप सकारात्मक बता रहे हैं और बताना बनता भी, क्योंकि काफी कुछ मिल गया है। आम बजट से किस तरह की अपेक्षाएं हम लोगों को? आम बजट में मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का जो सोच, जिस तरह का जो विजन है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, ये हर दृष्टि से आम बजट जो कल घोषणा होने जा रही है, माननीय हमारे जैसे अरुण जी जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका भी जिस तरह का जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से जिस तरह की जो चर्चा करके, और अच्छा बजट आने की मेरे को उम्मीद है। टैक्स रिलेक्शन की क्या कोई उम्मीद नजर आती है? मैंने आपको कहा है कि जिस तरह का जो हम उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, तो बजट अच्छा आने के लिए। राजस्थान के लिए क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप, क्योंकि जयपुर शहर से आप सांसद हैं, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का खिताब भी आपको मिला है, तो सबसे ज्यादा बजट में कुछ ऐसी कोई प्रस्ताव आपने दिए हैं अरुण जेटली जी को या सरकार को, केंद्र सरकार को, कि राजस्थान को कुछ बड़ा मिल पाए? देखिए, मैंने इसमें आम बजट में राजस्थान को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आम बजट पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बजट होता है। और मैंने अभी कहा है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, सबका हित को ध्यान में रखते हुए आम बजट आने वाला है। जाहिर तौर पर अरुण जेटली की जब पोटली खुलेगी तो क्या वो जैकपॉट होगा या कुछ और होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को काफी है। अब मिलता क्या है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिटारा आपसे कुछ देर बाद खुलने जा रहा है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह भाटी के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।